हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप गाइस यू ऑल आर फाइन। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा MUN के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कि कैसे हम MUN के कॉन्फ्रेंस में इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और एक बेस्ट डेलीगेट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के और बात करते हैं MUN के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या फिर इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स को। तो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर और हमारा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है रोल कॉल। गाइज, रोल कॉल ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल एक अटेंडेंस के रूप में होते हैं, बट MUN के कॉन्फ्रेंस में ही कुछ डिफरेंट तरीके से अटेंडेंस लिया जाता है। इसमें आपका नाम नहीं लिया जाता है, इसमें एज अ कंट्री रिप्रेजेंट के रूप में आपको बुलाया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप MUN कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अमन श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति है, अमन श्रीवास्तव, उसको ऑलरेडी पता होगा कि मैं स्पेन कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक चेयरपर्सन होते हैं, एक हेड होते हैं MUN कॉन्फ्रेंस में, उनके थ्रू उस अमन श्रीवास्तव को कॉल किया जाएगा, लेकिन वो बोलेंगे डेलीगेट स्पेन, डेलीगेट ऑफ स्पेन। तो उसे पता होगा कि मैं डेलीगेट ऑफ स्पेन हूँ, तो वो रिप्लाई देगा उनको, दो तरीके से रिप्लाई देगा गाइस। तो फर्स्ट है प्रेजेंट, या फिर वो ये भी कह सकता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो चलिए गाइस, तो मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है और प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस, प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मॉडरेट ऑफ कॉकस आप अपने ओपिनियन या फिर आप अपने कोई भी थॉट्स नहीं रख सकते हैं। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि आप एज अ कंट्री को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग मॉडरेट ऑफ कॉकस अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं। तो ये हमारा होता है MUN कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट स्टेप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के थ्रू हमारा धीरे धीरे इम्प्रेशन बढ़ता है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी। सेकंड टर्मिनोलॉजी होता है हमारा टू सेट द मोशन ऑफ एजेंडा। टू सेट द मोशन ऑफ एजेंडा नथिंग बट इस टॉपिक पर हमें बात करना होता है, उस टॉपिक को लिया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि ये अपनी एजेंडा या अपने आप से कोई भी टॉपिक को सेट नहीं किया जाता है, ये जब हेड या फिर MUN के जो चेयर होंगे, चेयर पर्सन होंगे, उनके थ्रू कॉल किया जाएगा। वो कहेंगे कि एनी वन डेलीगेट कम फॉरवर्ड एंड टुडेज MUN कॉन्फ्रेंस टू सेट द एजेंडा। तो किसी एक कंट्री के डेलीगेट को आगे आना है और MUN के कॉन्फ्रेंस में एक कोई एजेंडा सेट करना होता है, और उस एजेंडा पर हम आगे धीरे धीरे बात करते हैं, उसी पे हम लोग डिबेट करते हैं और उसी पे हम लोग वर्क करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसे भी हमें ध्यान में देना चाहिए और अच्छे से एकदम अटेंशन से हमें ये सुनना चाहिए कि किस टाइम पर किसको क्या हो रहा है या कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है। और ये हमारा मोशन, हमारे बहुत सारे मोशंस होते हैं जिसमें ये हमारा फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट मोशन होता है। पहले के समय में, मतलब 5 या 6 साल पहले, MUN कॉन्फ्रेंस में एक ही एजेंडा को सेट किया जाता था या फिर एक ही एजेंडा को ऑलरेडी लोगों को बता दिया जाता है कि इस एजेंडा पे हमें बात करना है। लेकिन पिछले 5-6 साल के बाद अभी ऐसा नहीं होता है, अब दो दो एजेंडाज लिए जाते हैं, दो दो टॉपिक्स लिए जाते हैं, अब दो दो टॉपिक्स पर बात किया जाता है। जैसे कि गाइज, आप इससे भी नॉर्मली सोच सकते हैं कि आज के समय में ग्लोबल इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़ और बहुत सारे इशूज़ हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों के पास टाइम कम हो रहा है और इशूज़ और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो इसीलिए अच्छे से ज़्यादा कोई जल्दबाजी ना करके उसे ईजिली सॉल्व करते हैं, इसीलिए वो केवल दो टॉपिक्स लेते हैं। अब धीरे धीरे पता नहीं इसमें कितने और एजेंडाज या कितने और टॉपिक्स ऐड हो जाएं, लेकिन अभी करेंटली में दो एजेंडाज सेट किए जा चुके हैं गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर। हमारा थर्ड टर्मिनोलॉजी है जनरल स्पीकर्स लिस्ट। जनरल स्पीकर्स लिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये उन स्पीकर्स की लिस्ट होती है या उन पार्टिसिपेंट की लिस्ट होती है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कहते हैं। ड्यूरिंग रोल कॉल जो डेलीगेट प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों बोलते हैं, उन डेलीगेट्स की एक लिस्ट बना ली जाती है, जिसे हम लोग GSL शॉर्ट में भी बोलते हैं, जनरल स्पीकर्स लिस्ट। ओके गाइस, तो जैसा मैंने बताया, हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट ही है। तो इसमें हम लोग ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल डेलीगेट स्पीचेस, हम लोगों ने जितने भी डेलीगेट के स्पीचेस को सुना है, उसमें हमें अगर कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि वो गलत है या फिर उसने ऐसा मेरी कंट्री के बारे में कुछ गलत बोला है, तो उसे हम चेयरपर्सन से परमिशन लेके, पहले परमिशन लेना होता है, अगर उनका परमिशन है तो उसके बाद हम पहले हम बोलेंगे कि आई एम डेलीगेट ऑफ स्पेन, ऐसे करके हम बोलेंगे, फिर हम कहेंगे आई हैव टू हैविंग सम क्वेरी और क्वेश्चन टू दैट डेलीगेट।
तो ऐसे करके हमें क्वेरी और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी डेलीगेट से हो गई, या फिर किसी डेलीगेट की कंट्री से अगर ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि उसने मेरे कंट्री के बारे में कुछ गलत बोला है, तो उसे हम ऐसे रिप्लाई दे सकते हैं या ऐसे बता सकते हैं। लेकिन आप जो भी ये बोलें ये स्वीट और शॉर्ट होना चाहिए। गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रिक्वेस्ट टू फॉलो अप। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम केवल वही क्वेरी और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हमें पूछना है या किसी को बताना है। दोबारा चेयरपर्सन बोलता है एनी डेलीगेट हैविंग एनी रिक्वेस्ट टू फॉलो अप, तो उस टाइम पर हम जैसे कि हम जो बोलना चाहते हैं वो उस समय भूल गए हों, तो उसे हम दोबारा पूछ सकते हैं किसी डेलीगेट की कंट्री से, या जो भी हमें क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन करना है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दिए, तो उस टाइम पर हम उसे बोल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये हमने जो पहले बोला था उसी के रिफ्रेंस में हो या उसी से रिलेटेड हो। ओके गाइज, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है राइट टू रिप्लाई। इस टर्मिनोलॉजी में हम जैसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया है या किसी कंट्री का किसी अदर कंट्री से मतभेद है, जैसे कि मान लीजिए मैं इटली की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगर कोई कंट्री है अदर कोई कंट्री है जैसे यूके हो गया, इंडिया हो गया, चिली हो गया या कोई भी कंट्री हो गया, अगर वो मेरे कंट्री के बारे में चाइना के बारे में अगर कुछ गलत बोलता है या ऐसी कोई द्वेष भावना जैसी कुछ दिखती है, तो इस टाइम पर अगर किसी को रिप्लाई करेंगे तो राइट वे पर होना चाहिए, पॉजिटिव वे पर होना चाहिए। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। गाइस, इस प्रोसीजर और इस स्टेप में हम मतलब ये कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है इसके बारे में अगर हमें प्रॉपरली अच्छे से नहीं पता है या फिर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो हम इस टाइम पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं हेड से। ये क्वेश्चन हेड से पुटअप किया जाएगा या चेयर से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप हमें इसके बारे में और कुछ बताए, या फिर हम कुछ ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी डेलीगेट से रिलेटेड कुछ स्पीच वो बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है और हम कुछ ज़्यादा पीछे बैठे। मान लीजिए सबको चेयर्स दी जाती है तो वो लोग चेयर्स पे बैठे होते हैं, सभी कंट्रीज़ के डेलीगेट चेयर्स पे बैठे, या फिर हम लोग कुछ ज़्यादा पीछे बैठे हों और उनकी जो भी बातें हैं वो हमारे कानों तक नहीं सुनाई दे रही है, तो इस समय इस टाइम पर इस टर्मिनोलॉजी के बेस पर हम ये क्वेरी हेड से पुटअप कर सकते हैं या चेयरपर्सन से पुटअप कर सकते हैं, और या फिर कोई भी हमें इशू होगा हम ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, जैसे कि आप इस नेम से ही समझ गए होंगे कि अपने पर्सनल इश्यूज़, जैसे कि हम मान लीजिए कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, जैसे किसी को कोई इशू है, जैसे कोई मान लीजिए कोई भी डेलीगेट बीमार है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी को वॉशरूम जाना है या किसी को मान लीजिए अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं कुछ, तो इस टाइम पर वो कैरी कर सकता है हेड से या फिर चेयर से और परमिशन लेके वो कार वर्क कर सकता है। तो ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है मॉडरेट ऑफ कॉकस। इस मॉडरेट ऑफ कॉकस चेयर पर्सन के थ्रू बताया जाएगा नाउ यू कैन स्टार्ट योर मॉडरेट ऑफ कॉकस। तो गाइस, इसमें से किसी भी एक डेलीगेट को आगे आना है और सबसे पहले अपना ओपनिंग स्पीच देना है। इस मॉडरेट ऑफ कॉकस के टाइम पर अपना ओपनिंग स्पीच का मतलब होता है कि अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा बताना है, इसके बाद एक एजेंडा बोलकर जो एजेंडा ऑलरेडी सेट किया जा चुका है, जैसे कि मैंने सेकंड टर्मिनोलॉजी में बताया था टू सेट द मोशन ऑफ एजेंडा, तो उस टाइम पर जो एजेंडा सेट किया गया होगा उसी एजेंडा पर हमें अपने कंट्री के बारे में बताना है और अपने ओपिनियन रखने हैं। तो ये हमारा होता है मॉडरेट ऑफ कॉकस, और ये ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड होता है। मॉडरेट ऑफ कॉकस को 30 मिनट और 40 मिनट इतना टाइम दिया जाएगा, और पर्टिकुलर डेलीगेट को 2 मिनट और 4 मिनट दिए जाएंगे इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तो ये हमारा एक तरीके से डिबेट होता है, ये डिबेट के रूप में इस समय हमारा ओरिजिनल और हमारा इम्पॉर्टेंट प्रोसेजर स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मॉडरेट ऑफ कॉकस। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा अनमॉडरेट ऑफ कॉकस। जैसे कि आप समझ गए होंगे मॉडरेट ऑफ कॉकस में डिबेट करते हैं, तो अनमॉडरेट ऑफ कॉकस में हमें डिबेट नहीं करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनमॉडरेट ऑफ कॉकस, ये नाउ करेंट टाइम योर टाइम इज गोइंग टू अनमॉडरेट ऑफ कॉकस, तो उस समय टाइम डिसाइड किया जाता है और उस समय हमें मीटिंग के अंदर ही रह के अपने अपने अलायंसेस के साथ, इसका मतलब अपने अपने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ मिलकर हमें उस टाइम पर
अपने कुछ पेपर्स होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर होता है पोजीशन पेपर, सेकंड पेपर होता है वर्किंग पेपर, और थर्ड पेपर होता है हमारा रिसोल्यूशन पेपर। तो अनमॉडरेट कॉकस के टाइम पर, ड्यूरिंग अनमॉडरेट कॉकस के टाइम पर, हमें वर्किंग पेपर और रिसोल्यूशन पेपर को प्रिपेयर करना होता है अदर अलायंसेस के साथ में मिलकर, कंबाइंड होकर, विद प्रोफेशनली वे और विद फॉर्मल वे पर। लाइक वी कैन चैट थ्रू व्हाट्सएप और मेल, और हम लोग ड्राफ्ट के थ्रू लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के डेलीगेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और उनके साथ मिलकर हमें अपने जो ऑलरेडी एजेंडा सेट हुआ होता है, उस एजेंडा पर हमें वर्किंग पेपर और रिसोल्यूशन पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोल्यूशन। इस रिसोल्यूशन का मतलब होता है, इस समय हमें हेड के थ्रू हमें मैसेज किया जाता है, या हम लोगों को बताया जाता है, अनाउंस होता है कि हमें अपने अपने रिसोल्यूशंस लोगों को बताने चाहिए। तो उस टाइम पर सभी कंट्रीज़ को आ गया कि अपने अपने जो एजेंडाज होते हैं उसका हम लोगों ने क्या क्या रिसोल्यूशन निकाला है, क्या क्या सोल्यूशन निकाला है, उसे हमें अपने अपने सोल्यूशंस को बताना होता है। इस टाइम पर आप किसी अदर कंट्री को वोट कर सकते हो। ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब उस टाइम पर हम रोल कॉल के टाइम पर वोटिंग बोलते हैं, यहाँ पर हमारा वोटिंग का वर्क होता है। तो उस टाइम पर केवल वही वोट कर सकते हैं जिसने रोल कॉल के टाइम पर बोला है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो लोग उसे वोट कर सकते हैं, और जिसे ज़्यादा वोट दिए जाते हैं उसका रिसोल्यूशन बेस्ट माना जाता है। तो गाइज लास्ट में हमारा होता है टेबल क्लैप्स। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ही, मैं तो कहूँगा ये मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उस डेलीगेट को मोटिवेट किया जाता है, उस डेलीगेट को अप्रिसिएट किया जाता है जिसने अपना बेटर दिया है इस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आपने पार्लियामेंट्री में देखा होगा, पार्लियामेंट में, कि जिसको भी अच्छा लगता है, जिसको किसी के बारे में, या फिर कुछ ऐसा मैच हो रहा है, जैसे कि मेरे कंट्री में भी ऐसा है, और वो किसी और, जैसे कोई अगला डेलीगेट बोल रहा है कि मेरे कंट्री में, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग पार्लियामेंट में जितने भी मेम्बर्स होते हैं वो अपना एक हैंड उठाते हैं और टेबल पर क्लैप करते हैं एक हाथ से, इसे बोलते हैं टेबल क्लैप। तो इसमें भी इस टाइप पे टेबल क्लैपिंग होती है उसको, और जो बेस्ट डेलीगेट होता है उसको अप्रिसिएट किया जाता है, वो मोटिवेटेड भी होता है हम सब लोगों से, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, हम लोग इंस्पायर होते हैं उससे कि उसने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है MUN कॉन्फ्रेंस में, और हम लोग क्लैपिंग करते हैं, उसे अप्रिसिएट करते हैं। तो यही हमारा होता है टेबल क्लैप। तो गाइज यही हमारा ऑल ओवर द प्रोसीजर होता है MUN कॉन्फ्रेंस में, जो जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जो जो हमारे स्टेप्स होते हैं, बस यही स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को हमें अपने माइंड में रखते हुए अपने MUN कॉन्फ्रेंस में अपना बेस्ट देना होता है। अगर जो ये सारे स्टेप्स को अच्छे से प्रिपेयर करेगा, फॉलो करेगा, और प्रोफेशनल वे पर ये वर्क करेगा, और तो वो ज़रूर ही एक बेस्ट डेलीगेट के रूप में उस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर अपना बेस्ट देगा। तो गाइज बस यही मैं बताने वाला था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और जो MUN कॉन्फ्रेंस में जा रहा है तो उसको प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अदर कंट्री के डेलीगेट के रूप में उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए बहुत नॉलेजफुल, स्किलफुल रहेगा, आप अदर अदर कंट्रीज़ के ओपिनियन को जानेंगे, और अगर आप किसी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कंट्री के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो यू विल नो इन डिस्क्रिप्शन, गाइज यू कैन चेक माय डिस्क्रिप्शन एंड देन यू नो व्हाट इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय गाइज़।